दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सेना के सेनापति श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं और इसी के चलते दोस्तों कल हमने वीडियो डाली थी कि यहां पर टीम केकेआर के लिए कौन कौन बैकअप हो सकता है श्रेयस अय्यर अगर बाहर हो जाते हैं तो। बट ये तो जो बैकअप होगा वो आएगा प्लेइंग 11 के नहीं बल्कि दोस्तों स्क्वाड के अंदर आएगा और टीम केकेआर के पास ऑलरेडी यहां पर प्लेइंग 11 के लिए एक ट्रुप का इक्का मौजूद है जो टीम केकेआर ने पहले ही मिनी ऑक्शन में खरीद लिया था। इस प्लेयर का नाम है मनदीप सिंह और रिसेंटली दोस्तों एक शॉर्ट इंटरव्यू भी इन्होंने दिया है जहां पर इन्होंने बात की है श्रेयस अय्यर की इंजरी और खुद के लिए जो बातचीत है उनके लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी के अंदर मनदीप सिंह भी एक कंटेंडर कैप्टेंसी के लिए बन जाते हैं। अब आप इस चीज को थोड़ा आगे से सोचोगे तो ही आपको समझ आएगा क्यों ये कंटेंडर बन जाते हैं। बट रिसेंटली इन्होंने बताया है कि श्रेयस अय्यर आईपीएल के अंदर और क्रिकेट जगत में एक बड़ा नाम है और वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इंजरी पार्ट ऑफ द गेम है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा दोस्त या हमारा जो भी टीममेट है या कोई अपोनेंट भी है तो वो इंजरी के चलते बाहर हो। बट इंजरी को देखते हुए आपको थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा जिद करोगे तो यहां पर हो सकता है कि ज्यादा दिक्कतें हो जाए। और साथ ही साथ प्लेइंग 11 में उनके सिलेक्शन को लेकर और स्पॉट फिलिंग को लेकर भी उन्होंने बात की जहां पर दोस्तों मनदीप सिंह ने साफ बताया है कि यहां पर श्रेयस अय्यर की वो जो गैप है उसको कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। श्रेयस अय्यर का एक अलग यहां पर स्थान है बट उन्होंने जरूर कहा है कि वो मनदीप सिंह बनकर खुद अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और कमी जरूर महसूस नहीं होने देंगे। श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छी देंगे बट श्रेयस अय्यर है और मनदीप सिंह मनदीप सिंह है। आप कमेंट करके जरूर बताओ प्लेइंग 11 में अगर श्रेयस अय्यर बाहर होते हैं तो मनदीप सिंह कैसी चॉइस है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।